कुरान मजीद में कुछ आयात ऐसी हैं जो किसी वक्त किसी खास वक्त के होने का जिक्र करती हैं, खास मतलब है मकसद के लिए नाजिल हुई हैं। मसलन इन्ना फताना लका फतन मुबीना, इसी तरह सूरत आले इमरान में जंग बदर का जिक्र है, ठीक। इसी तरह मा वद्दा का रबो का व मा कला में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास जिक्र है। तो अगर ये वाक़यात रूनुमा ना होते तो क्या ये आयात ना उतरती? मैं नहीं समझा आपकी बात। अगर हुज़ूर ऐसे वाक़यात रूनुमा ना होते, कैसे वाक़यात? जिस तरह वाक़या बदर है, वाक़यात अगर ना होते तो तालीम ज़रूर होनी थी, उनकी खबर ना होती। खुदा ताला ने जिन वाक़यात का जिक्र किया है वो किसी नतीजे की खातिर जिक्र किया है, कोई तालीम देने के लिए जिक्र किया है? तालीम एक लाजमी है, हसीयत की चीज़ है जो इंडिपेंडेंट है। वाक़यात होते या ना होते कुरान की इस तालीम में ज़रूर होना था, लेकिन ये तालीम उन वाक़यात के रेफरेंस से फिर ना होती, कुछ और होता इसके अंदर, कुछ किसी और मज़मून से बांध के खुदा ताला इनको पेश करता। जो वाक़या हुआ ही नहीं उसके उसको खुदा ताला किस तरह बयान कर सकता था? क्योंकि खुदा ताला तो गलत बात नहीं कहा करता, लेकिन तालीम इसके बावजूद अबदी हैसियत रखती है। इन वाक़यात की वजह से तालीम नहीं है, बल्कि चूंकि वाक़यात हुए इसलिए उस तालीम की रोशनी में इन वाक़यात को हल कर दिया गया। चलिए जी, आप रसीम साहब। अच्छा, इनके बाद अभी हुजूर ने